पढ़ाई करने के बाद का जो फ्री टाइम होता है, अगर हम उसको यूटिलाइज करें, अच्छे से उस पर वर्क करें, क्योंकि हमारा पैशन हमारे लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए, हमारा पैशन हमारे लिए वर्क करना चाहिए, हमारा पैशन हमारा स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए। सो इसलिए अगर हम अपना टाइम यूटिलाइज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम कहीं ना कहीं अपने आर्ट एंड कल्चर को कुछ ना कुछ डिवोट कर रहे हैं, प्लस हम अपने लिए वर्क कर रहे हैं। जस्ट लाइक मी, मैंने अपने पैशन को ढूंढा विच इज डांस, एंड आई डिड डांस। नॉट ओनली डांस, आई ऑल्सो एक्सेल इन माई स्टडीज, बट ऐसा नहीं है नेशनल लेवल डांसर बनने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की हो, नहीं, बट येस आई यूटिलाइज माई टाइम। आई सी दैट हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, इफ आई एम डूइंग स्टडीज तो उसके हाफ एन आवर बाद मुझे अपने डांस में टाइम देना, बट सिर्फ पैशन को ही टाइम नहीं देना, स्टडीज को भी इक्वली टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई अगर हम स्टडीज कर रहे हैं उसके बाद हमें थोड़ी देर अपने पैशन को टाइम देना है। अगेन, पैशन रिलीजेस द स्ट्रेस, डोंट बिकॉज इट इज बर्डन। सो अगर अब हम कथक की बात करें, जैसे कि आई एम अ कथक डांसर, सो हम कथक की बात करें, जैसे ही कथक का नाम सुनते हैं ना, एक चीज माइंड में बहुत तेज आ चुकी है, अ क्लासिकल डांस फॉर्म। बट नो, दिस इज ट्रू, बट इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। इट इज नॉट ओनली अ क्लासिकल डांस फॉर्म, बट इन दैट इज वी गो डीपर इन दैट, there are many elements in that, elements like footwork, bhav, expression, hand movements, mudra, hastak, and many more. और अगर थोड़ा और अंदर जाए ना तो आपको उसकी सुंदरता पता चलेगी, कथक की सुंदरता पता चलेगी, और आपको लगेगा कि आपको कथक क्यों सीखना चाहिए, और कथक हमारे आर्ट एंड कल्चर में क्या वर्क प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है, बिकॉज कथक हमारे आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इक्वल इम्पोर्टेंट पार्ट है जितने बाकी डांस फॉर्म्स है। बट कथक कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन। कथक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ाता है, क्यों, जब हम स्पिन्स लेते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक ही पॉइंट पे नोटिस करता है, क्योंकि अगर हम इधर उधर देखेंगे तो हमारे जो स्पिन्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, कई बार हम इधर डिसबैलेंस करेंगे, कई बार हम उधर डिसबैलेंस करेंगे, बट अगर हम एक जगह देखेंगे सो इट इज परफेक्ट, बिकॉज हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। कथक में हम बोलते हैं, मतलब हमें पढ़न करते हैं, हम लोग जो चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम अपने हाथ में पढ़न करते हैं, और जो बीट है उसको हम अपने घुंघरों से निकालते हैं, जैसे कि इफ ऐसे ताई थी तक तो मेरे पैर से वो निकलते, दैट इज, एंड इफ ऐसे तकिटर धिकिटर, दैट इज नॉट ओनली फुटवर्क, इसको हम बोलते भी हैं, एंड अगर हम देखें तो इट इज लाइक अ टंग ट्विस्टर। अगर अब हम उनका गोल सेट कर सकते हैं कि हमें को फाइव टाइम्स बोलना है, बट इफ आई डिडंट से इट फाइव टाइम्स सो आई हैव टू रिपीट दैट, रिपीटिंग इट मेक्स द कॉन्सेंट्रेशन मोर स्ट्रॉन्गर, एंड अगर हम अपना गोल अकम्प्लिश कर लेते हैं देन मेक मोर स्ट्रॉन्गर गोल्स, बिकॉज गोल्स आर मेड टू बी मेड। यस, सो चलो अब आप मेरे साथ एक टंग ट्विस्टर बोलो, दैट इज द कीटर डी कीटर, द कीटर डी कीटर। नाउ लेट मी से इट फास्ट फाइव टाइम्स, Now, if anyone wants to come, so please come and say this tongue twister once. So the tongue twister is ta ki ta di ki ta, 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 ta ki ta. That's very great. A person, please clap for her. जैसे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ था, but she restarted to make the goal accomplished. And जब वो क्या, so we make new goals. कि अगर हम उसको कर लेंगे, so we need to make new goals so that our concentration level boosts. And कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा सा मस्ती का level देता है. कि अगर हम बोलते हैं तो हम किसी और को बोलवाते हैं, उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है, ओह माय गॉड इट इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, सो कथक में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन एलिमेंट होता है दैट इज भाव। अब भाव क्या होता है, एक्सप्रेशन। मैं कुछ बोल रही हूँ तो डेली लाइफ में ना कहीं ना कहीं हमारे हर जगह पे एक्सप्रेशन आते हैं। मैं गुस्सा कर रही हूँ किसी को, दैट इज वन ऑफ माई एक्सप्रेशन। मैं खुश हो रही हूँ, दैट इज एक्सप्रेशन। I'm getting surprised. That is an expression. हमें पता भी नहीं होता और जो कितने expressions हमारे face को surround कर रहे हैं।
रहे होते हैं। अब जैसे मैं खुश हो रही हूँ, ओह वाओ, सो वो खुश होने वाली एक्सप्रेशन इज ऑन माय फेस। मैं गुस्सा कर रही हूँ, दैट इज ऑन माय फेस। मैं किस इनको वर्डिंग से हमारे एक्सप्रेशन नहीं आते, हमारे फेस में बिना बोले भी किसी को हम अपनी चीज समझा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं अब आपको एक छोटी सी परफॉर्मेंस करके दिखाती हूँ, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। इट इज अ स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण। सो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज राधा जी इज गोइंग एंड वो अपना मथा भर रही है, एंड कृष्ण जी, जैसे हम सबको पता है कृष्ण जी बहुत नटखट है, सो वो इधर उधर पहले ढूंढते हैं। जैसे ही उन्हें एक पत्थर मिल जाते हैं, पीछे जाके और तेजी से वो उनके ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही मटकी फूट जाती है, राधा जी बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। सो मैं आप लोगों को आज वही दिखाने वाली हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आए। उसके बाद हम आगे की बात। बदभाव, ना नहीं होगा, ना नहीं होगा।
Thank you.